পালঘরে সন্ন্যাসীর গণহত্যার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। সম্প্রতি পালঘরে যে জঘন্য ঘটনাটি ঘটেছে সেটার সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে এই দিন জানান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। উনি আরও জানান, এই ঘটনাটি একেবারেই দুর্ভাগ্যজনক। ওই দিন ওই সাধুরা গুজরাট যাচ্ছিলেন, ওনাদের দাদর নগর হাভেলিতে আটকানো হয়। ইতিমধ্যেই 110 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও কথা হয়েছে বলে জানান উদ্ধব ঠাকরে। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए, ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलत फहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहाँ जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया, दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ सीमा पर उनको रोका गया, वहाँ से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज़्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदायिक या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं।